क्या आपने ये लिक्विड डो सॉफ्ट आलू पराठा ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो आज ट्राई कीजिए। आसान सी रेसिपी है, सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही मिलेंगे, बच्चों को भी ये पसंद आएगा। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम बता देते हैं। 3 आलू को बॉईल किया है, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून पुदीना, 1 बड़ा कांधा, 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेहती, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून भुना धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा, 200 ग्राम भीगा हुआ मूंग दाल, 200 ग्राम गेहूं का आटा। मिक्स करने के लिए एक बोल लीजिए। एक बोल में हमने आटा, कटा हुआ धनिया, पुदीना और कांधा ऐड कीजिए। ये सारे मसाले ऐड कीजिए। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया है कितना कितना डालना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। कस्तूरी मेहती और रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कीजिए। अगर कस्तूरी मेहती नहीं है तो स्किप कीजिए। 1 टेबलस्पून हरा मसाला डालें। इसे भी देखने में इंटरेस्टिंग लग रही है ये रेसिपी। हमने उबले हुए आलू को मैश करके डाला है। हमने और भी इजी और डिलीशियस रेसिपी बनाई है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मिक्स कीजिए। सुबह सुबह अगर आपको बच्चों या हस्बैंड की टिफिन के लिए इजी ऑप्शन चाहिए तो ये सब्जी आसान और हेल्दी रेसिपी है। इसके बाद हम इसे भी इजी तरीके का मेथी थेपला भी बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। मूंग दाल हमने 2 घंटा पानी में भिगाया है, फिर मिक्सचर में ग्राइंड करके इसका फाइन स्मूथ पेस्ट बनाया है। मूंग दाल का पेस्ट भी हमने ऐड किया है, थोड़ा पानी डालकर मिक्स कीजिए। जब तक ये लिक्विड डो बन रहा है आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमक स्वाद अनुसार डालें। अच्छे से मिक्स कीजिए, कंसिस्टेंसी ऐसे होनी चाहिए। साइड में कवर करके 10 मिनट रखें। नॉन स्टिक पैन में थोड़ा ऑयल डालकर मीडियम बैटर डालें। धीमे आंच पर पकाना है वरना कच्चे रह जाएगा। ध्यान से जब नीचे से ब्राउन हो जाए और आप पलटाएंगे तब चम्मच से प्रेस करना है, स्पेशली बीच में, साइड का पक जाता है बट बीच में कच्चे रह जाते हैं, ऐसे प्रेस करना है दोनों साइड। जब ब्राउन हो जाए तब निकालना है। गर्मा गर्म ठंडी मीठी दही के साथ परोसे, या आप अचार या कोई भी चटनी के साथ भी खा सकते हैं।